नमस्कार दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई और इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार के संविदा कर्मचारियों की भर्ती विभिन्न जिला कलेक्टर्स के माध्यम से की जा रही थी। इसी बीच स्वायत्तशासी विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए इन भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी। जी हाँ दोस्तों, इन भर्ती प्रक्रियाओं को स्थगित कर दिया। इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, मनरेगा की तरह पे शहरों में रोजगार देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर, इसके अलावा शहरी रोजगार सहायक और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती यहाँ पर की जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी सहायक को करीब 40,000 रुपए, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को करीब 30,000 रुपए, लेखा सहायक और एमआईएस मैनेजर को 25-25 हजार रुपए और शहरी रोजगार सहायक को 15,000 रुपए और मल्टीटास्किंग स्टाफ को 10,000 रुपए यहाँ पर मासिक मानदेय दिया जा रहा था। इसी बीच इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की संविदा पदों को भरने को लेकर एक ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो निकाला गया था 16 जून 2022 को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पर इस ऑर्डर के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी वो उनको स्थगित कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी समस्त राजस्थान को ये पत्र लिखा, जिसमें से आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है जो की जा रही थी वित्त विभाग की अनुमति से, वो यहाँ पर आगामी आदेशों से अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। संविदा पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु जारी भर्ती विज्ञापन के स्थगन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर तत्काल विभाग को अवगत करवाएं। हरदेश कुमार शर्मा निदेशक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से लेटर यहाँ पर जारी किया। तो दोस्तों, जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी है आगामी आदेशों से, अपरिहार्य कारणों से स्थगित की है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं विभिन्न जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी इस न्यूज को प्रमुखता से यहाँ पर उठाया है। शहरी मनरेगा से जुड़े संविदा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित, आप देख सकते हैं अजमेर की खबर है। स्वायत्त शासन विभाग ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत संविदा पदों पर की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। महकमे के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कामों की मॉनिटरिंग करने के लिए बनने वाली कमेटी के छिन्नतर पदों पर, अजमेर के लिए छिन्नतर पदों पर भर्ती की जा रही थी, आवेदन लिए जा रहे थे और इसकी अंतिम तिथि 18 जून थी, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने गुरुवार को जारी आदेश जारी कर संविदा कर्मियों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी। निगम अब संविदा कर्मचारियों के लिए नए आवेदन नहीं लेगा, जो आवेदन कर चुके हैं उन्हीं की छटनी की जा रही है। इसी तरह शहरी मनरेगा के काम कब शुरू होंगे इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूर्व निर्धारित योजना के तहत शहरी मनरेगा के काम गुरुवार से शुरू होने थे, लेकिन फिलहाल इन्हें भी टाल दिया है। इसके अलावा योजना में एक परिवार को करीब 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें अकुशल श्रमिक को 269 रुपए प्रतिदिन, अर्ध कुशल श्रमिक को 271 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। भुगतान श्रमिकों के खातों में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और अजमेर में करीब 45 जो काम है फर्स्ट चरण में होने थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया थी जो स्थगित यहाँ पर कर दी है स्वायत्त शासन विभाग के आदेश से, अब किसी भी प्रकार के कोई भी आवेदन यहाँ पर न तो स्वीकार किए जाएंगे और न ही जो नए आवेदन है वो फिलहाल भरे जाएंगे। काफी अभ्यर्थियों के जो है क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या अब आवेदन कर दें क्या, तो मैं बता दूं सभी अभ्यर्थियों को अब किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं करना है। जो भर्ती प्रक्रिया है आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी है, तो आपको किसी भी प्रकार का न तो कोई आवेदन स्पीड पोस्ट करना है, न डाक से भेजना है, न व्यक्ति से भेजना है, न ही मेल आईडी पर भेजना है। यानी कि 16 जून 2022 के माध्यम से जो आवेदन है विभाग के आदेश के अनुसार जो नियुक्ति प्रक्रिया वो स्थगित कर दी है अपरिहार्य कारणों से। इसी को लेकर कार्यालय नगर निगम अजमेर ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी है।
और उन्होंने कहा कि नियुक्ति संबंधी जो कार्रवाई है अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। उपायुक्त नगर इसी प्रकार से रोजगार गारंटी योजना में संविदा कार्मिकों की नियुक्ति पर रोक। चूरू से बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं, अजमेर से की ये खबर है, इन्होंने कहा कि यह बना मुख्य कारण। मैं बता दूं जो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है वो उसमें जो मेन मुद्दा था वो इनके मानदेय को लेकर था। अन्य योजनाओं में लगे कार्मिक इसका लगातार विरोध कर रहे थे कि करीब 12 से 15 साल होने को लेकिन फिर भी वो 8 से 10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों पूर्व है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में की गई घोषणा के अनुसार जो भर्ती की जा रही है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में करीब 40 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही निकाय में काम करने वाले कार्मिकों को सालों की तनख्वाह के बाद भी 40 हजार रुपए यहाँ पर जो तनख्वाह है वो नहीं हुई। अजमेर नगर निगम में ही प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों ने भी इस योजना से जुड़ने के लिए फॉर्म जमा कराए। ऐसे हालात में आवेदन निरस्त करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो दोस्तों जो अब मैं बता दूं अभी जो भर्ती प्रक्रिया वो आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है, जल्द ही जो नया आदेश है वो यहाँ पर जारी होगा। इसके अलावा सैलरी और वेतन भत्तों में भी जो चेंजेज होना निश्चित है क्योंकि काफी साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का भी कहना है कि करीब 15 साल होने को है फिर भी 8 से 10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, लेकिन शहरी रोजगार गारंटी योजना में 40 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो कि दोनों में असमानताएं हैं। दोनों में काम समान है लेकिन मानदेय में असमान है। इसी को लेकर यहाँ पर रोजगार गारंटी योजना में संविदा कार्मिकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं चूरू की अपडेट है, निकायों में संविदा कर्मचारियों की जा रही भर्ती को किया स्थगित। 2 दिन से नगर परिषद में आवेदन करने वालों की लग रही थी भीड़। तो दोस्तों वरिष्ठ तकनीकी सहायक में चूरू में 10, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 22, लेखा सहायक के 20, MIS मैनेजर के 12, शहरी रोजगार सहायक के 26 पदों पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन गुरुवार शाम तक जो आवेदन है वो यहाँ पर जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया थी वो कैंसिल यहाँ पर कर दी है, आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिए। और मैं बता दूं गुरुवार शाम तक चूरू नगर परिषद में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के लिए 75, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 185, लेखा सहायक के 92 और MIS मैनेजर के 20 और शहरी रोजगार सहायक के 280 आवेदन जमा हो चुके थे। तो दोस्तों अब जो भर्ती प्रक्रिया वो स्थगित कर दी है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला कलेक्टर बाड़मेर ने एक विज्ञप्ति जो ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर जारी किया और जिसमें शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया संविदा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कार्यालय नगर परिषद सीकर ने भी एक नोटिफिकेशन यहां पर कार्यालय आदेश जारी किया है और इन्होंने कहा कि आगामी आदेशों तक जो कार्रवाई है जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। श्रवण कुमार विश्नोई जो आयुक्त है नगर परिषद उनके हस्ताक्षर कार्यालय आदेश यहाँ पर जारी किया है। तो दोस्तों मैं बता दूं किसी भी प्रकार का आवेदन अब आपको नहीं करना है। इसी प्रकार से जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चित्तौड़गढ़ ने एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित यहां पर कर दिया है। रविंद्र सिंह यादव जो आयुक्त है नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के उनके हस्ताक्षर से विज्ञप्ति यहां पर जारी की गई है। तो मैं बता दूं अब यहां पर किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा तब आपसे यहां पर जो इस भर्ती के लिए आवेदन करवाए जाएंगे। साथ ही मैं बता दूं संविदा कार्मिक टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जब भी नया नोटिफिकेशन जारी होगा जिन जिन जिलों का, सबसे पहले आप आपके अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिलेगा, साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे भी उसकी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं अब किसी भी अभ्यर्थी को इस भर्ती में आवेदन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो जो भर्ती है वो आगामी आदेश तक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया। अब जब भी नया नोटिफिकेशन जारी होगा तो यहाँ पर जो है नई तरीके से फॉर्म लिए जाएंगे, क्या कुछ होगा आगामी आदेश में ही अब पता चल सकेगा। तो दोस्तों अब किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का आवेदन जमा नहीं करवाना है। इसके अलावा मैं बता दूं 33 के 33 जिलों में यह भर्ती प्रक्रिया अब बंद हो चुकी है, अब नए आदेश तक आगामी आदेश तक यह भर्ती प्रक्रिया स्थगित यहां पर कर दी है।
वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं बता दूं, इस योजना में जो अनुमत कार्य हैं जो करवाए जाएंगे वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण, उद्यान संरक्षण, फुटपाथ डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे पौधों को पानी देने, नगर निकाय वन उद्यानिकी कृषि के अधीन नर्सरी के में पौध तैयार, शमशान कब्रिस्तान की सफाई, वृक्षारोपण, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से संबंधित कार्य, जल संरक्षण से संबंधित कार्य, स्वच्छता और सैनिटेशन से संबंधित कार्य, साथ ही संपत्ति विरूपण के कार्य, कन्वर्जेंस के कार्य यहाँ पर जो है करवाए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया वो स्टॉप हो चुकी है आगामी आदेशों तक, तो किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन यहाँ पर नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तथा टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।